सुद्ध गंधर्व यक्षाद्येर सुरेरम रेरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मित्रों, नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नौवां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का दिन, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि माँ की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इस कारण से भगवान शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भगवान शिव को भी सिद्धिदायिनी माता को ही माना जाता है, और मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा ईशित्व और वशित्व, ये आठ प्रकार की सिद्धियां माता प्रदान करती हैं। मित्रों, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत ही सौम्य और आकर्षक है। उनकी चार भुजाएं हैं। माँ ने अपने एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख धारण किया हुआ है। माता का वाहन सिंह है, और ऐसा माना जाता है कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से व्यक्ति को सभी देवियों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं माँ सिद्धिदात्री के पूजन से जुड़ी हुई बाकी की जानकारियाँ। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। मित्रों, नवमी तिथि 6 अक्टूबर 2019 को ही सुबह के 10:54 से लग गई थी, और 7 अक्टूबर 2019 को दोपहर के 12:38 तक रहेगी। इस दौरान पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है 10:24 से 12:32 तक का। इसमें अभिजीत मुहूर्त वाला जो समय है जो कि 11:46 दोपहर से 12:32 तक का है, वो ज्यादा अच्छा है आप पूजन के लिए। उसका अगर हो सके तो प्रयोग कीजिए। तो शुभ मुहूर्त में पूजन जरूर कीजिए। और अब देखते हैं कि पूजन कैसे करना है हमें। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और पूजा स्थान को पवित्र कर लीजिए। वहां पर गंगा जल छिड़क लीजिए। इसके पश्चात पूजन में सबसे पहले रक्षा दीप को प्रज्वलित कीजिए और उसका पूजन कीजिए। उसके पश्चात हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर के माता का आवाहन कीजिए कि वे वहां पर पधारें और आपके पूजन को स्वीकार करें। आवाहन करने के पश्चात आप सबसे पहले कलश का विधि के साथ पूजन करेंगे, और कलश का पूजन करने के पश्चात आप शुरू करेंगे माता का पूजन। माता के पूजन में सबसे पहले उन्हें जल और पंचामृत से स्नान करवाइए, और स्नान करवाने के पश्चात उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है, तो उन्हें जो वस्त्र आप अर्पित करेंगे वो लाल या पीले रंग के हों। माता को लाल चुनरी तो जरूर चढ़ाइएगा इस दिन, और श्रृंगार की पिटारी भी जरूर अर्पित कीजिएगा। तो ये करने के पश्चात आप उन्हें पुष्प चढ़ाइए, और पुष्प में माता को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है। मित्रों, देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी प्रकार हितकारी होता है जैसे महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। गुड़हल के फूल में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास माना गया है, और पुष्प के अंकुरण निकलने की वजह से यह देवी माता का बहुत ही प्रिय पुष्प माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा जी का, मध्य भाग में विष्णु जी का, और अंतिम भाग में महेश का, और अंकुरण में स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि इस एक फूल में सभी प्रकार के ग्रहों का वास होता है, जिसके कारण से इस पुष्प को जब आप माता पर चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, पुष्प के हरे भाग में बुध का, केतु का प्रतिनिधित्व माना जाता है, और केसरिया भाग में मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। रक्त वर्ण के रंग में सूर्य का, और पुष्प के अंकुरण पर गुरु का वास माना गया है। अंकुरण के मध्य भाग में राहु का, और अंतिम भाग में शनि का वास होता है, और पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना जाता है। तो सभी प्रकार के ग्रहों से जुड़ी हुई बाधाएं दूर होती हैं अगर इन दिनों में यानी नवरात्रि के समय में आप माता रानी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं। तो माता सिद्धिदात्री को गुड़हल के पुष्प या उससे बनी हुई माला जरूर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात उन्हें धूप दीप दिखाइए और उन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में माता को बहुत प्रिय है नारियल, खीर और पंचामृत। इसके अलावा धान का लावा अर्पित करके भी आप ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। तो भगवती को उनके प्रिय भोग जरूर अर्पित कीजिए।
इसके पश्चात वहीं पर बैठ करके आप उनके स्त्रोत कवच आदि का पाठ कीजिए और उसके पश्चात उनकी आरती उतारिए कपूर से। आरती करने के पश्चात चूंकि नवमी का दिन है, जिस दिन नवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण होता है, तो इस दिन महाचंडी यज्ञ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो घर पे आसान विधि से भी हवन कर सकते हैं। कैसे करना है ये जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में मिल जाएगी। इसके बाद हवन करने के पश्चात कन्या का पूजन भी किया जाता है और कन्या का पूजन करने के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों एक चीज और, इस दिन माता सिद्धिदात्री को नवान प्रसाद यानी नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, तो अगर हो सके तो ये प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं माता का स्त्रोत। कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्म धरा मुकुटोज्वलो स्मरे मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पटाम्बर परिधानाम नाना लंकारम भूषिता नलिस्थिताम नलनार्क्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी पर ब्रह्म परमात्मना परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। तो माता के स्त्रोत का जरूर पाठ कीजिए। अब देखते हैं माता का कवच। ओंकार पातु शीशो मा ऐं बीजम मा हृदयो ह्रीं बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो। ललाट कर्णो श्रीं बीजम पातु क्लीं बीजम मा नेत्रम घ्राणो। कपोल चिबुको हसौ पातु जगत प्रसूत्यै मा सर्ववदनो। तो माँ के कवच का भी जरूर पाठ कीजिए। माँ सिद्धिदात्री की आरती हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे देख करके माता की आरती भी कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।